यार आधा साल हो गया, बल्कि आधे साल से ज़्यादा हो गया, एक शादी शुरू हुई थी जो कि आज तक ख़त्म नहीं हो रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बिलियनियर और दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें शामिल एक शख्सियत जिनका नाम जो है वो मुकेश अंबानी साहब है। अब इनके बेटे की शादी है जो कि मेरे ख्याल पता नहीं साल ही हो गया है। अब उतने फंक्शन तो कुल मिला के नहीं होते एक शादी में जितने इन्होंने शादी से पहले कर लिए थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उनके पास पैसा है, वो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन वो एक वर्ड है ना पंजाबी का, बड़ा शोधापन नज़र आ रहा है इस सब में, क्योंकि ये दुनिया के वाहिद बिलियनर नहीं है, इनसे अमीर अमीर लोग भी हैं इंडिया में। जो अडानी ग्रुप वाले हैं, अडानी साहब हैं, क्या वो इतनी बड़ी शादी नहीं करवा सकते अपने किसी रिश्तेदार की बेटे की बेटी की? लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाया जा रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। गरीब लोगों को तो छोड़े, जो अच्छे खासे अमीर लोग हैं उनको भी ऐसा लगना शुरू हो गया इस शादी को देखकर कि हम जो है वो बड़े गरीब हैं। क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है कि 500 करोड़ का लहंगा पहना हुआ है, 1800 करोड़ का हार पहना हुआ है, कोई लाइक 200-250 करोड़ से नीचे तो कोई बात ही नहीं हो रही भाई। कोई 2-3 करोड़ या 5 करोड़ का तो मामला ही नहीं है कि 200-500 हज़ार करोड़, 2000 करोड़ की बातें हैं। 15 जेट्स करवा लिए हैं, और जो है वो जॉन सीना का आप देखें वहाँ पे क्या काम बनता है। जॉन सीना जो है उनकी शादी में मौजूद है, अब हो सकता है उसको पता भी ना हो कि ये कौन लोग हैं। अब इसका मुझे क्या नुकसान है, ये मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि यार इसको ख़त्म कर दे। देखिए, मैं अगर फेसबुक खोलता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, तो मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता। मेरी फीड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी का बेटा और उसकी जो बहू है वो नज़र आ रही होती है। मेरा भाई इस चीज़ में नहीं इंटरेस्ट, तो मुझे ये चीज़ ना दिखाई जाए, इसका बेहतरीन हाल ले कि भाई इस शादी को खुदा के वास्ते ख़त्म कर दिया जाए। हमें पता है कि आपके पास बड़ा पैसा है और आप ये जो शोधापन कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। बस यही देख लें कि और भी बिलियनियर्स हैं, इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा अमीर लोग हैं, लेकिन वो इस तरीके से शादियों पर ख़र्चा नहीं करते। उनकी शादियों में ये नहीं कहता कि एक कमरे में हो जाती हैं, ठीक ठाक शादियाँ करते हैं वो, लेकिन वो इस तरीके से 8 महीने की शादी नहीं करते। ये बड़ी ही फजूल चीज़ है और इसके बड़े ही नेगेटिव असरात जो है वो आपके माशरे में आते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे जो मॉर्निंग शोज़ में दिखाया जा रहा होता है, हमारे जो फिल्मों में दिखाया जा रहा होता है, वो आम ज़िंदगी में हम लोग उसको अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप यही देखेंगे कि 200 करोड़ से कम बात ही नहीं हो रही, तो फिर 2-3 लाख रुपए की चीज़ किसको पसंद आएगी? और आपने देखा होगा कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई नया नया पैसा आ जाए ना, तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो इनके पास नया नया पैसा नहीं है, लेकिन इनकी आदतें नहीं गई। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुकेश अंबानी कैसे इंसान है, लेकिन यार इस चीज़ को खुदा के वास्ते ख़त्म कर दें। हमें मज़ीद जो है वो इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा।